हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं GSS चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप गवर्नमेंट जॉब्स के फरवरी के थर्ड वीक में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में जानोगे, और इस वीडियो में 32,000 वैकेंसीज के बारे में आप जानोगे जो भी निकली हुई हैं। पहली वैकेंसी आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जिसमें 8 पदों पर कोर्ट असिस्टेंट के लिए निकली हुई हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल है। फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट 15 फरवरी से 13 मार्च तक है। एप्लीकेशन फीस नील है, कुछ भी नहीं लगेगी, जबकि सैलरी दोस्तों आप देख सकते हो इसमें 44,000 से 68,000 तक है। अगली वैकेंसी आ रही है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें 252 पर डिप्टी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए निकली हुई हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और एज लिमिट इसमें 21 से 35 साल के बीच में। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मार्च है और फीस दोस्तों आप देख सकते हो जनरल ओबीसी के लिए 600 है, जबकि SC ST के लिए 150। सैलरी दोस्तों आप देख सकते हो अच्छी है। अगली वैकेंसी आ रही है वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट से, जिसमें 8,632 पोस्टों पर निकली हुई हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें केवल 10वीं पास मांगा गया है और एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 फरवरी है और फीस दोस्तों आप देख सकते हो जनरल ओबीसी के लिए 170 रुपये, जबकि SC ST के लिए 20 रुपये है। अगली वैकेंसी आ रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें 32 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए निकली हुई हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज मांगी गई है और एज लिमिट 21 से 37 साल के लिए मेल के लिए, जबकि 21 से 40 फीमेल के लिए है। बाकी डिटेल दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगली वैकेंसी आ रही उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से, जिसमें 549 पदों पर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑडिटर्स कैशियर एंड अदर्स के लिए निकली हुई हैं। योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें BCom, BBA, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, इन सभी में से आपका एक कोई चीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें 21 से 42 साल के लिए है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 26 फरवरी है, जबकि फीस इसमें दोस्तों एप्लीकेशन फीस 150 से 300 रुपये है और सैलरी दोस्तों आप देख सकते हो अच्छी खासी 25,000 से 1,00,000 रुपये तक जा सकते हो भी पर मंथ। अगली वैकेंसी आ रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें 2,000 पदों पर कॉन्स्टेबल के लिए भर्ती निकली हुई है। योग्यता की बात करें तो इसमें दोस्तों केवल एक्स सर्विसमैन ही भर सकते हैं और एज लिमिट इसमें 50 साल से नीचे वालों के लिए है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मार्च है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगेगी और सैलरी दोस्तों आप देख सकते हो अच्छी खासी है, 25,000 से 40,000 तक हुई पर मंथ। अगली वैकेंसी आ रही है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, जिसमें 23 पदों पर जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर टाइमकीपर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकली हुई है। योग्यता की बात करते इसमें ITI ग्रेजुएशन, BE, BTEC इन्हीं सब में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल के बीच वालों के लिए है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 मार्च है। अगली वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जिसमें 505 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन के निकली हुई है। योग्यता की बात करते इसमें 10th पास के साथ साथ ITI या डिप्लोमा चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 फरवरी है। एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगी और जो सैलरी दी जाएगी वो 1961 से 1973 के एक्ट जो होगा उसमें उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ वैकेंसीज। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।